हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तृप्ताज रेसिपी में। आज हम बनाएंगे हमस। उसके लिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। पहले ये मैंने 200 ग्राम छोले लिए हैं, जिनको मैंने एक रात पहले भिगो लिया था और फिर मैंने उसको 4 से 5 सीटी आने तक बॉईल कर लिया है और उनके छिलके निकाल लिए हैं। अगर आप छिलका ना निकालना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं, पर पेस्ट हमें अच्छे से बनाना है। अगर हमें स्मूथ पेस्ट चाहिए तो हम छिलके निकाल सकते हैं। ये मैंने 3 लेमन का जूस लिया है, ये ऑलिव ऑयल, ये हमारा सफ़ेद तिल और ये गार्लिक। साथ ही हमें इसमें लगेगा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हमस बनाने के लिए हमें तहीनी पेस्ट की ज़रूरत है। वैसे तो मार्केट में अवेलेबल होती है, बट मेरे पास नहीं है तो वो मैं घर पे बनाऊंगी। उसके लिए मैं ये सफ़ेद तिल जो है, इसको हम थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे। बहुत डार्क नहीं होने देना है। ये सेकने के बाद, ठंडा होने के बाद, इसको पानी के साथ में पीस लें। बहुत ही पतला अच्छे से पेस्ट बना लेना है, बस हमारी तहीनी पेस्ट रेडी हो जाएगी। ये देखिए, हमारा सफ़ेद तिल अच्छे से भुन चुका है। बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है, वरना पेस्ट का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको मिक्सर में ट्रांसफ़र कर दूँगी और पानी डाल के इसको बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने बहुत ही फाइन पेस्ट बना लिया है। आपको भी इतना ही फाइन पेस्ट बनाना है तो मार्केट से आपको तहीनी पेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमस बनाने के लिए हम सबसे पहले, मैंने जो 4-5 गार्लिक लिए थे उसको मैंने क्रश कर लिया है। उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करूँगी। साथ ही जो हमारे ये उबले हुए छोले थे उनको भी हम मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र करके और उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लिया है, कैसा दिखता है अभी ये। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक, मैंने छोले उबालते वक्त भी नमक डाला था तो इसी हिसाब से मैं नमक इसमें थोड़ा कम ही डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब हम इसमें, हमने जो तहीनी पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। ये मैंने थोड़ी ज़्यादा पेस्ट बना ली थी, मैं पूरा नहीं डालने वाली हूँ। ये मेन इंग्रेडिएंट है, प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा। और फिर हमने ये जो 3 लेमन का जूस बना वो हम इसमें डाल के अब इसको हम बहुत अच्छे से पीसेंगे। अगर आपको लगता है कि मिक्स थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या आइस डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा पेस्ट बनेगा। ये देखिए, हमने हमस बना लिया है। ये पेस्ट इतना स्मूथ होना चाहिए। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने हमस को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने बीच में एक पिट बना ली है। अब हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे गार्निश करने के लिए। ऑलिव ऑयल में कंजूसी मत कीजिएगा गाइस। और हम थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे, और अगर आप चाहें तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ये हमारा हमस रेडी हो गया। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।